expression is finished with one job, performing simply with work. He was also finished with a cup of wine in his hands, and his face was slightly flushed. A man banged on the table with his hands and light drops, and dozens of crystals appeared on the table. Only, the amount of crystals is not enough. He remained fluid as the expressionless was required. The man frowned, then his hand suddenly banged on the table, and the sword that was wrapped up in a rag immediately came out of his sheath. The cry of the sword incessantly resounded like a dragon's blow within the sword. यहाँ से सबसे पहले यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं एक स्क्वायर राइट क्लिक यहाँ सब वाई एक्सेस पे ओके किया यहाँ से स्विफ्ट के साथ इस तरीके से ज्वाइन किया ठीक है अब यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाना है यहाँ से स्प्लिट में जाना है 400 पे इसको 223 ऊपर आ जाएगा 400 नीचे इसको ओके किया इसके बाद यहाँ से इसको कर्वेचर में गए यहाँ से मूव किया ठीक है इस तरीके से मूव हो जाएगा ट्रांसफॉर्म में गए यहाँ से पीछे मूव कर दिया ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा दोनों को सिलेक्ट किया कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ से इसको सो अरेंजमेंट बैक साइड पे इस तरीके से मूव कर दिया ये करने के बाद यहाँ से इसको कनेक्ट करना है सेगमेंट में जाके इस तरीके से कनेक्ट किया रन किया ठीक है ज्वाइन हो गया यहाँ से ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट किया मूव किया यहाँ से रन किया फिर से ये इस तरीके से आ जाएगा यहाँ से हमने इसको एक स्क्वायर ले सकते हो स्क्वायर से यहाँ से क्रिएट कर सकते हो ये वाला स्क्वायर से तो 151.2 यहाँ से रखा जा सकता है तो 151.2 यहाँ से इसकी विड्थ रख दी ठीक है इसको रख दिया यहाँ से हाइट जो है इसकी विड्थ जो है वो 50 कर दी ओके किया यहाँ से स्प्लिट भी एंटर कर सकते हो लेकिन स्प्लिट अभी करने की जरूरत नहीं है यहाँ से सेगमेंट रखा ये इस तरीके से ज्वाइन हो गया कॉपी किया पेस्ट किया ठीक है ये यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा साथ ही साथ इसको अगर डिलीट किया या इसको कॉपी करके मिरर पेस्ट किया तो भी कर सकते हो उससे क्या है ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से सेगमेंट पे जॉइंट कर देना सेगमेंट जॉइंट करने पे ये कुछ इस तरीके से शो करेगा ठीक है यहाँ से इसको रिवर्स भी किया जा सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि रिवर्स कर सकते हो अगर ये इस तरीके से कनेक्ट करना है तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो अगर मैं देखूँ यहाँ से सेगमेंट में तो सेगमेंट यहाँ से इसकी साइड कनेक्ट करना पड़ेगा ठीक है इस तरीके से अगर रन करें तो ये देखो फ्लिप हो रहा है तो ये फ्लिप क्यों हो रहा है क्योंकि सेगमेंट कनेक्टेड है ये देखो ये सेगमेंट तो यहाँ से एडिट करना पड़ेगा एडिट करेंगे सेलेक्ट करके
डिलीट कर देंगे, फिर वापस सेगमेंट में जाएंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और रन कर देंगे। तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक स्क्वायर लिया, उससे पहले यहाँ से ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, ये चेक करना है ये कितना है, 108.7। तो 108.7 अगर हम इसको डिलीट कर दें तो यहाँ से ये बिल्कुल स्क्वायर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, और इसको 217 का एक स्क्वायर जनरेट करना है। 217 यहाँ पे हम कर लेते हैं हाइट को, सबसे पहले 217.4 और इसकी विड्थ रख देते हैं 50। ओके किया, यहाँ से इसको रन करने से पहले इसको इस तरीके से मूव कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आगे की साइड, यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रन किया, उसके बाद यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे सेगमेंट में जाके। रन किया, इसको भी सेगमेंट में जाके रन किया। देखो ये कनेक्शन इस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा पास करके सेगमेंट में जाके यहाँ से कनेक्ट किया। अब देख सकते हो अब ये सही से एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखो ये जॉइंट दिखेगा किस साइड आ रहा है, तो ये इस साइड आ रहा है, और हम यहाँ पे देखें तो ये इस साइड आ रहा है, तो ये इससे कनेक्ट होगा। ट्रांसफॉर्म प्लस ये और इसको कर देते हैं मर्ज। जैसे मर्ज किया ये देख सकते हो ये इस तरीके से शो हो जाएगा कनेक्ट होके सेम एज इट इज। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये जॉइंट इस जगह है, ये जॉइंट इस जगह है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ट्रांसफॉर्म में ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट, इसको मर्ज किया, उसके बाद इसको ऊपर मूव किया, रन किया, ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से हम फोल्ड देख सकते हैं, फोल्ड अगर हमें चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये फोल्ड के लिए यहाँ पे होता है। ठीक है, पॉइंट साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे इंटरनल लाइन में जाऊँ तो इंटरनल लाइन भी डाल सकता हूँ ट्रांसफॉर्म करके। ट्रांसफॉर्म करने से पहले यहाँ से जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको डिलीट कर लेना है। तो यहाँ से हमें जाना है ट्रांसफॉर्म में, इन पॉइंट्स को डिलीट करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये पूरा सिंगल आ गया है, इसको ऑफसेट इंटरनल लाइन डालनी है, यहाँ पे 25 पे डालनी है। ओके किया, इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको रन करेंगे। जैसे रन करोगे देखोगे कि ये इस तरीके से
ठीक है, ये डन। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर लेना, ठीक है, ये सही आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ से कनेक्ट कर लेने, यहाँ से गए, ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट किया, यहाँ से इसकी लेंथ एक बार देख ली 249.2। यहाँ से एक स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने बताया 249.2, ठीक है, और इसकी विड्थ कर देते 50, या थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं 300, या 500 भी अगर रखते हैं तब भी चलेगा, 500 कर दिया, ओके किया। इसके बाद इसको यहाँ से कनेक्ट करना रहेगा, कनेक्ट करने से पहले यहाँ से इसको रोटेट कर देते हैं, ये हो गया। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए, यहाँ से इसके साथ साथ सबसे पहले तो इसको कनेक्ट करते हैं, यानी इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ये पेस्ट हो गया। यहाँ पे इसको सेगमेंट में जाके कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से जॉइंट, और ये यहाँ से सेगमेंट में जाके इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं। जैसे रन करेंगे ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी सेम सेगमेंट में जाके कनेक्ट किया, इसके बाद वापस से रन किया, यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, सेगमेंट में जाना है। सबसे पहले तो यहाँ से पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको एडिट करके कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद रन किया तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से जाना है ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको और इसको कनेक्ट कर देना है, यानी मर्ज कर देना है। ये मर्ज हो जाएगा ऊपर से, ये वाला पॉइंट्स जॉइंट है। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इसको डिलीट किया, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया, इसको रन किया इस तरीके से। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इंक्रीज किया, अगेन रन किया, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये आ जाने के बाद यहाँ से हमने चले जाना है इस पॉइंट में, ट्रांसफॉर्म में, हल्का सा इस साइड से मूव किया, हल्का सा इस साइड से मूव किया, रन किया, ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आया है। इसके बाद हमने ये पॉइंट को हल्का ऊपर मूव किया, शिफ्ट के साथ मूव करना है ऊपर, शिफ्ट प्रेस करके इसको रन करेंगे, ये सही आ गया। इसी तरीके से कॉपी किया, मिरर पेस्ट किया, सेगमेंट में गए, सेगमेंट में जाके अटैच किया, इसको भी अटैच किया, रन किया, तो ये देख सकते हो ये परफेक्टली मैच हो गया।
ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ से हमने सेलेक्ट करने के बाद इसको जस्ट बैंड किया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट आता है इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर रख देते हैं, यहाँ पे सभी को सिलेक्ट किया, मूव किया। ठीक है, एक ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इधर प्लेस किया। इसके बाद एक स्क्वायर लिया, यहाँ से सबसे पहले एक स्क्वायर ले लेते हैं। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ना 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 कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको जनरेट किया। अब इसके सबसे पहले ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से विथ देख लेते हैं। देखो विथ 33 आ रहा है, यानी कि 300 रख सकते हैं, तो इसको 600 पर क्रिएट कर देते हैं स्क्वायर। विथ 600 रख दी, हाइट 50 रख दी, ओके कर दिया। इसके बाद इसको मूव किया ऊपर की साइड, यहाँ से इसको सेगमेंट में चले जा सकते हो, ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से सेगमेंट में जाके इसको कनेक्ट कर देते हैं। और रन कर देते हैं, जैसे रन करेंगे ये इस तरीके से रन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी देर में अंदर इस तरीके से, ठीक है, रन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें सेगमेंट में जाना है, ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे गए, यहाँ पे स्प्लिट एंटर किया, यहाँ से मैंने बताया 3150 और यहाँ पे कर देना है 4 और यहाँ पे ओके कर देना है। ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से हमने स्क्वायर लिया, यहाँ पे अगर मैं इसको 250 रखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अराउंड हाइट 900 रख देता हूँ, ओके किया। इसके बाद इसको नीचे मूव कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे स्प्लिट एंटर करना है, स्प्लिट यहाँ पे 150।
150 पे इधर आ रहा है, तो इसका मतलब 100 हमें रखना पड़ेगा। ओके किया, यहाँ से ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ नीचे मूव किया, इसी के साथ साथ यहाँ से हाइट हल्की सी इंक्रीज कर ली, यहाँ से ऐड कर्वेचर में गए, यहाँ से ऐड किया, ट्रांसफॉर्म में जाके सेगमेंट में चले गए, यहाँ से कनेक्ट किया इस साइड से, यहाँ से इसको कॉपी किया, मिरर पेस्ट किया। ठीक है, मिरर पेस्ट से पहले इसको मूव भी कर लेना है ट्रांसफॉर्म को इस तरीके से। यहाँ से स्प्लिट ऑफसेट इंटरनल लाइन, तो 120 पे रख देते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करके कॉपी मिरर पेस्ट, इसके बाद सेम सेगमेंट, इसके बाद रन। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। सेम यहाँ से दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। यहाँ से इसके बाद शो अरेंजमेंट में जाना है, यहाँ से सेगमेंट में जाना है, ठीक है, इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से सेव, ये पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो, ये भी आ रहा है। सो अरेंजमेंट ऑफ कर दिया, यहाँ से सेगमेंट में गए, ये कनेक्ट हुआ, ये देख सकते हो। यहाँ से इसको इस साइड कर लेते हैं, सेगमेंट कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, इसको रन किया। इसके बाद यहाँ से सेगमेंट कनेक्ट किया वापस से, यहाँ से कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, रन किया, ये इस तरीके से हो जाएगा कनेक्ट। यहाँ से सेगमेंट में गए, यहाँ से बैक साइड से कनेक्ट किया। ठीक है, ये देख सकते हो, रेडी हो गया इसी तरीके से। रेडी कर लेना है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ईजिली सेव हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जाते हैं, फैब्रिक में जाते हैं, यहाँ से हमने ब्लू ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये देख सकते हो, सेम एज इट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। सेम ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देख सकते हो इस तरीके से, ये रेडी हो गया। यहाँ से सो अरेंजमेंट में गए, यहाँ से सो इंटरनल लाइन को ऑफ किया, ये इस तरीके से सो होगा। इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट कर ले, फाइल सेव कर लेते हैं।
फाइल में गए, सेव एज में गए, प्रोजेक्ट में गए, यहाँ पे ये मैंने प्रोजेक्ट सेव किया। जैसे प्रोजेक्ट सेव किया, ये हमारा प्रोजेक्ट सेव होके आ गया, ठीक है, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेव करके रखना है, ठीक है, फाइल बना के रखनी है। एक मिनट रुको, ठीक है, ये हो गया।